from phenol. फ्रॉम फिनॉल बेटा, ये कंपाउंड है फिनॉल, ठीक है, दिस वन इज फिनॉल। और अगर फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ हीट कर देते हैं, जिंक के साथ हीट कर दें, तो ये चेंज हो जाता है जिंक और अलग हो जाता है ZnO। तो फिनॉल का क्या करना है, डिस्टिलेशन करना। डिस्टिलेशन समझ में आता है, एक कंटेनर में फिनॉल बनती हुई है, उसमें जिंक डाल दिया, उबाल दिया, उबालने का वेपर ऊपर आएगी, बाहर जाके कलेक्ट कर, इस प्रोसेस को कहते हैं डिस्टिलेशन। लिख लीजिए, बाय डिस्टिलेशन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट, बाय डिस्टिलेशन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट बेंजीन ओब्टेन, बाय डिस्टिलेशन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट बेंजीन इज ओब्टेन, या बेंजीन ओब्टेन। ठीक है, ये रही इक्वेशन कि ये रहा फिनॉल, ये है जिंक डस्ट, ये बन गई बेंजीन। ठीक है, क्लियर। अगला मेथड जो बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे तो 12th लेवल के हिसाब से, जल्दी लिख लीजिए, बाय डिस्टिलेशन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट बेंजीन ओब्टेन। ठीक है, अगला मेथड देखो बेटा क्या है, ये कंपाउंड है जिसे केमिस्ट्री में कहते हैं एनईडी। ठीक है, दिस इज नोन एज एनईडी। ठीक, इस एनईडी को हम रिएक्ट कराते हैं NaNO2 एंड HCl से, और एट वेरी लो टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री आइस कोल्ड कंडीशन में, तो ये कंपाउंड बनता है जो केमिस्ट्री में कहलाता है BDC, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। एक्चुअली ना ये डाइएज़ोनियम क्लोराइड जो है ना, ये अनस्टेबल है, ये नेचर में एक्जिस्ट नहीं करता, ऐसा नहीं है तुम्हें पढ़ाओ मिल जाए, ये जब जरूरत होता तभी बनाना पड़ता है हाथों हाथ। तो हमें एनिलीन से क्या बना लिया है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और इस रिएक्शन का नाम है डाइएज़ोटाइजेशन। तो ये डाइएज़ोटाइजेशन, फिलहाल इस रिएक्शन की आपको जरूरत नहीं, सुन लीजिए आपकी जरूरत क्या थी बाद में लिखना बेटा। ये जो डाइजोनियम क्लोराइड कंपाउंड बना है ना, ये रहा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसको अगर हम बॉयल करेंगे पानी से तो फिनॉल बन जाएगी, और फिनॉल से फिर ये बेंजीन ऐसे बने, लेकिन डायरेक्ट बेंजीन अगर बनानी हो तो इसकी रिएक्शन हमने इथाइल अल्कोहल से कर ली, या H3PO2, दोनों में से कोई ना कोई, कोई भी ले लीजिए, पूछा बहुत जाता है, दोनों ही दे देते हैं टीचर, इन दोनों में से किसी से कर दें, ये दोनों वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी ये दूसरे सॉरी वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये इसे बेंजीन पे रिड्यूस कर देते हैं, खुद का ऑक्सीडेशन पहला वाला एल्डिहाइड हो जाता है, और ये वाला जो है ये ऑक्सीडेशन हो जाता है H3PO3 पे, और बेंजीन बन जाती है, जो भी अलग होना को अलग हो जाएगा, H2HCl अलग हो जाएगा। तो सेकेंड वाली जो रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं आज की, वो है फ्रॉम फ्रॉम बीडीसी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बीडीसी नेचर में मिलता ही नहीं, बीडीसी पहले बनाना पड़ता है, किस रिएक्शन से, डाइजोटाइजेशन। तो पहले हम ये रिएक्शन लिखेंगे फिर ये वाला लिखेंगे। ठीक है, देखते हैं हेडिंग अगला, फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, मैं पहले लैंग्वेज में लिखा रहा हूँ, देखिए नेक्स्ट लाइन से। अब बेटा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को ब्रैकेट में BDC लिख लेना, जैसे हमने यहाँ लिखा है BDC, जिससे कि अब बार बार बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिखना ना पड़े इतना बड़ा, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए बेटा, BDC ऑन रिएक्टिंग विद वीक रिड्यूसिंग एजेंट, BDC ऑन रिएक्टिंग विद वीक रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक, BDC ऑन रिएक्टिंग विद वीक रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक इथाइल अल्कोहल और H3PO2, BDC ऑन रिएक्टिंग विद वीक रिड्यूसिंग एजेंट लाइक इथाइल अल्कोहल और H3PO2 गिव्स
गिव बेंजीन बीडीसी, जब भी इनसे रिएक्ट करेंगे तो बेंजीन बन जाएगा, ठीक है। ये हुआ पहला पॉइंट। फिर अगली लाइन से लिखें, बीडीसी कैसे बनाते हैं, बीडीसी इज प्रिपेयर्ड बाय डाइएज्युटाइजेशन रिएक्शन, बीडीसी इज प्रिपेयर्ड बाय डाइएज्युटाइजेशन रिएक्शन। बीडीसी कैसे बनाई जाएगी, डाइएज्युटाइजेशन रिएक्शन से इसे बनाएंगे, बीडीसी इज प्रिपेयर्ड बाय डाइएज्युटाइजेशन रिएक्शन। दैट इज, अब ये डाइएज्युटाइजेशन रिएक्शन क्या बोले जा रहे हैं, that is aniline is reacted with sodium nitrite and HCl. Aniline is reacted with sodium nitrite and HCl at 0 to 5 degree centigrade. Aniline is reacted with सोडियम नाइट्राइड, ये जरा वर्ड लिखेगा NITRITE, सोडियम नाइट्राइड है, ठीक है, क्योंकि आईटी लिख देंगे तो अलग कंपाउंड हो जाएगा। एनिलीन इज रिएक्टेड विद सोडियम नाइट्राइड एट HCl एट 0 टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड। सेंटेंस देख लीजिए, आपने क्या लिखा है, बीडीसी क्या लिखा है, सेंटेंस पढ़ो, ठीक है, ठीक है। अब आगे लिखना जरूरत नहीं है कि एनिलीन रिएक्टेड विद दिस इज टू गिव डाइजोनियम सॉल्ट, क्योंकि वो हम पहले लिख चुके हैं। अब आपकी इच्छा, पहले ये क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर ये, चाहे ये पहले लिखे चाहे, ठीक है। आप देखो क्योंकि हमने लिखा इस तरीके से है, हमने पहले इसके बारे में लिखा है, फिर हमने इसके बारे में नोट्स में लिखा है। हमने पहले लिखा है डाइजोनियम सॉल्ट की इथाइल अल्कोहल या H3 ब्यूटेन से रिएक्शन करने पर हमें मिल जाता है बेंजीन। डाइजोनियम सॉल्ट से हमें बेंजीन मिलती है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन में पूछी बहुत जाती है। तो डाइजोनियम सॉल्ट ऑन रिएक्टिंग विद इथाइल अल्कोहल और H3PO2 गिव बेंजीन, और ये प्रोडक्ट साथ में बनेंगे, ठीक है। और दूसरी रिएक्शन ये है आपके सामने, इस बार ये रहा एनएलई, इसकी NaNO2 HCl से कर दीजिए एट 0 टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बन जाएगा डाइजोनियम क्लोराइड, और ये रिएक्शन कहलाएगी डाइएज्युटाइजेशन। बेटा डन, बेटा नेक्स्ट। अब बेटा एक दो रिएक्शन पहले वाली दोबारा करके लिख लेते हैं, शायद आपको याद भी हो, ठीक है, अच्छा रहेगा। नहीं भी याद है तो यहाँ से याद कर लीजिएगा, देखते हैं कि बच्चे को ध्यान रखनी है। देखो बेटा जी, हमने लिया है बेंजीन ग्रुपर COOH या COONA, ये कहलाएगा सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, क्या इससे बेंजीन बना लेते हैं आप लोग, आप पढ़ सकते हैं इसलिए कह रहा हूँ, नहीं और थोड़ा सोचो, कोल्बे से तो डबल हो जाता था तो डाइफेनाइल बन जाएगा, और बताओ, आप पढ़ चुके हो, मैं पहले कह रहा हूँ, बोलिए, नहीं याद आई, और मैंने इम्पोर्टेंट में लिखाई हुई है तब भी नहीं याद आ रही, मैंने इम्पोर्टेंट में लिखा रखी है रिएक्शन, तुम लोग यार थोड़ा बहुत लाइन छोटा पिया करो तभी कुछ, ये दिमाग बच्चे थोड़ा लाइन, ठीक है, डी कार्बोक्सिलेशन। तो अगर हम इसकी रिएक्शन टाइम से कर देंगे NaOH2CO से, तो ये Na2CO3 निकल जाएगा, बेंजीन बन जाएगी, बोलो क्लियर है। अगला मैंने लिख लीजिए बाई डी कार्बोक्सिलेशन, सोडियम बेंजोएट, व्हेन सोडियम बेंजोएट
is reacted with, when sodium benzoate is reacted with soda lime, when sodium benzoate is reacted with soda lime, then benzene obtained. Sodium benzoate is reacted with soda lime, then benzene obtained. बोलो बेटा क्लियर है? ठीक है, बोलो नेक्स्ट. ये बेटा अगला मेथड, ये हमारा क्लोरोबेंजीन. वैसे तो हम इसका डायरेक्ट रिडक्शन कर सकते हैं, इसका रिडक्शन कर दें और निकल अब ध्यान से सोचो ना, अगर दो कार्बन में दो हेलोजन होती तो डबल बॉन्ड आ जाता. अगर एक ही कार्बन में हेलोजन है तो दो मॉलिक्यूल आगे जुड़ते हैं, फिर तो दो फिनाइल जुड़ के डाई फिनाइल बन जाएगा ना. तो डी हाइड्रोजनेशन में अगर आपने हाइड्रोजन निकाल लिए तो हाइड्रोजन जोड़ना भी तो पड़ेगा, तो हाइड्रोजन जोड़ने का प्रोसेस रिडक्शन कहलाएगा. तो अगला मेथड लिख लीजिए, बाय रिडक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन, बाय रिडक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन विद निकल एल्युमिनियम एंड एनओएच, बाय रिडक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन विद निकल एल्युमिनियम एंड एनओएच. बेटा निकल एल्युमिनियम और एनओएच ऑब्वियसली ये रेने निकल भी कहलाता है, रिएक्टिव होता है काफी, इससे हाइड्रोजन बड़े फास्ट निकलती है, क्लोरोबेंजीन पे क्लोरीन हट के बेंजीन बन जाती है. बाय रिडक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन विद निकल एल्युमिनियम एंड एनओएच गिव्स बेंजीन. क्लियर है? एक रिएक्शन और बता रहा हूं, जरूरत नहीं है आपको देख लो खाली. अगर मैं पहले क्लोरोबेंजीन की मैग्नीशियम पे रिएक्शन करता है, ईथर के प्रेजेंस में क्या बनता, शायद याद आ गया हो, ये जोकर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता. और जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं शायद आपको याद हो, वो वाटर से जिस भी कंपाउंड पे एक्टिव हाइड्रोजन हो तो हाइड्रोकार्बन या एल्केन, यानी कितने कार्बन का एल्केन जो भी बनना बन जाएगा, तो ये प्रोडक्ट भी बन सकता है. तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की भी, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐसा है हमारे पास, उसके हाइड्रोजन करें तो भी बेंजीन बन सकता है. इसे लिखा नहीं रहा हूं, अगर आपकी लिखने की इच्छा है तो आप इसे दोबारा ऐसे ही लिख सकते हैं. क्लोरोबेंजीन बना लीजिए, उसकी एरो पे मैग्नीशियम ईथर लिख लीजिए, ये प्रोडक्ट बना, वाटर बना के आप बना सकते हैं पानी. ठीक है, तो ये हो गए बेंजीन की मेथड ऑफ फॉर्मेशन. नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी. बेंजीन में तीन रिएक्शन एल्कीन जैसे एडिशन की है और लगभग पांच रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन है. ठीक है, तो आप बस गिनती में अगर याद कर लोगे तो मतलब गिनती की 10 रिएक्शन बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टी है. तीन पुरानी है, मतलब एल्कीन में जो पड़ी है वो, और पांच नई. ठीक, और आखिरी में एक कंबशन हो जाता है. बेटा तो पहले जो पुरानी रिएक्शन है उसी को शो करते हैं, लिखे एडिशन केमिकल प्रॉपर्टीज. निकाली केमिकल प्रॉपर्टीज में पहली रिएक्शन लिखते हैं एडिशन रिएक्शंस. तो ये तीन एडिशन है जैसे एल्कीन की होती है, वो तीन एडिशन रिएक्शन है. ठीक है, देखते हैं कौन कौन सी तीन एडिशन है. ये आपको होपफुली याद आ गया हो, बेंजीन में हाइड्रोजन ले लें और निकल कैटलिस्ट ले लें, क्या याद आ रहा है आपको? SSR रिएक्शन, सेवेंथ ईयर एंड टेंथ कोई एक, और ये हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे सारे के सारे, ये बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन. तो बेंजीन का पहला एडिशन रिएक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन है या रिडक्शन है, साइक्लोहेक्सेन बनता है. ठीक है, लिख लीजिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट एट हाई टेंपरेचर. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट एट हाई टेंपरेचर गिव्स साइक्लोहेक्सेन.
addition of hydrogen in presence of nickel catalyst at high temperature gives cyclohexane. बेटा कल मैंने आपसे कहा था बुक ले आना है ना, आज एनसीईआरटी के लिए कहा था, वेरी गुड, अभी एक मंगाई थी आप, गुड, आगे कर सकते हैं, थैंक यू, ठीक है, वैसे हमें चाहिए नहीं है लेकिन हमने यहाँ रखी है दो दिन के लिए, ये किताब तो वापस नहीं होगी तीन दिन तक, हाँ बेटा आने दो तीन दिन अब ये यही रहेगी किताब, ठीक है। बच्चों आपको पहले बता दूं कि ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट फिनिश पे आ गया, ठीक है, लेकिन हम इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे एक दो दिन बाद, मतलब आज फिनिश तो कर ही दे रहे हैं, एक्सटेंड कहने मतलब होता है क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे और हम कल से एस ब्लॉक ए ब्लॉक शुरू कर देंगे, ठीक है। तो कल है सैटरडे, परसों है संडे, जिनके एग्जाम में मैं चाह रहा हूँ उनका एस ब्लॉक बहुत अच्छे से क्लास में ही हो जाए, ई ब्लॉक भी हो जाए, सैटरडे और संडे में ही हो जाए, ठीक है, अभी हो जाए जिससे कि एग्जाम उनके अच्छे हो जाए और फिर हम इसके क्वेश्चन और आपको कराते जाएंगे, तो इसलिए ले लीजिए, ठीक है। अब ये 95% चांसेस हैं इस बार आपके जो एग्जामिनेशन है 11th के फाइनल टर्म किसी भी स्कूल के हो, 95% चांसेस हैं डायरेक्ट एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चन डायरेक्ट होंगे। थोड़ा बहुत कुछ टीचर्स जो है ना करते हैं ना, जब मुझसे कहा भी जाता है वैसा ही बनाओ एनसीईआरटी, तो क्या करते हैं पीछे का पूरा क्वेश्चन रख देंगे, हल्का सा चेंज कर देंगे लिटिल बिट, जैसे वहां बेंजीन है तो बेंजीन की टॉलिन लिख देंगे जिससे कि जो एकदम रट के आया है वो फंस जाए, है ना। तो हम इससे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जो भी आपके यहाँ सिलेबस आ रहा होगा एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा, ठीक है, उसके बाद नहीं आता फाइनल का पेपर, तो जैसे भी कभी नहीं आया किसी भी स्कूल। चलिए ये हो गया पहला एडिशन, ठीक है। अब देखिए दूसरा एडिशन इसमें है एडिशन ऑफ क्लोरीन, ये भी दिया जाता है क्लोरीन आयोडीन से क्लोरीन का, और ये एडिशन है एडिशन ऑफ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एडिशन ऑफ क्लोरीन है सनलाइट की प्रेजेंस में। और बच्चों जैसे यहाँ पे 6 हाइड्रोजन जुड़े हैं ना, ये बैलेंसिंग में 6 हाइड्रोजन जुड़े हैं, ऐसे यहाँ 6 क्लोरीन के एटम जुड़ जाएंगे और यहाँ पे CHCl ऐसे बन जाएगा। तो अगर आपको समझ में आ गया हो बेंजीन का फॉर्मूला पहले क्या था, देखना अगर मैं डायरेक्ट किसी को बताओ बेंजीन हेक्साक्लोराइड एरोमेटिक है या नहीं है, एरोमेटिक है या नहीं है, वेरी गुड, ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड नाम है, अंदर फाइव बॉन्ड एक भी नहीं, तो ये भैया नाम कहां से आया, नाम आया पेरेंट से, उसमें हाइड्रोजन जुड़ने की वजह से ये आया है, तो इसलिए बेंजीन हेक्साक्लोराइड पेरेंटल नेम है, आईयूपीएसी नेम नहीं। डन, इसका आईयूपीएसी नेम क्या है, इसका आईयूपीएसी नेम है 1,2,3,4,5,6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन कंपाउंड है और 6 क्लोरीन लगी है, तो अगर IUPAC नेम पूछेंगे तो हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन पेरेंटल से जो नाम आया वो बेंजीन का कॉमन नेम जो है वो बेंजीन हेक्साक्लोराइड या BHC, ये आपने इसकी तारीफें कई बार सुनी होगी, हो सकता है BHC, ये कई आइसोमर्स में एग्जिस्ट करता है, इसका एक गामा आइसोमर्स है, इसका एक आइसोमर है गामा, क्या करता जाएगा गामा, गामा वर्ड आसान होता है, मामा से रिलेटेड होता है तो, है ना, जल्दी याद आ जाता है, तो ये मामा बना कहते नहीं, हाँ हमें मामा बनाना है, मामा बना दे हमें ऐसे, तो गामा वर्ड याद हो जाता, तो ये इसका जो गामा आइसोमर है वो बड़ा खतरनाक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पेस्टिसाइड, बल्कि इंसेक्टिसाइड भी कह सकते हैं, तो BHC एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसेक्टिसाइड है जो कई देशों में बैन, ऑब्वियसली हमारे देश में कुछ भी बैन नहीं, हमारे यहाँ नहीं है लेकिन अमेरिका जैसे कुछ छोटे छोटे देश है वहां बैन है, क्यों बैन है, उन गरीबों के हम मतलब उन लोगों की इम्यूनिटी वीक है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल समझ में आता है, जैसे प्लास्टिक होती है वैसे ही है, और ये थोड़ा सा हार्मफुल भी है, तो खा भी ले तो कई कबार डेथ हो सकती है, तो ये पेस्टिसाइड छिड़कते हैं जैसे सब्जियों में इधर उधर, है ना, या कई लोग घरों में पेंट में डलवा लेते हैं, BHC की पेंटिंग जब कराए तो छिपकली ये वो सब ना आए, ठीक है, उनकी अपनी वॉटेवर थिंकिंग है, तो अपना लॉजिक मत लगाओ, फिलहाल अगर वहां लेट सपोज लगे छिपकलियां कहाँ है यहाँ पे हमारा छापट, तो ये अगर छिपकली इसे चाट लेगी या कोई बच्चा निकाल के चाट काट लेता है
तो उसके पेट वेट में पहुंच जाएगा, डेथ पे होने के चांसेस है, मरमरा सकता है लेकिन मरेगा नहीं, इंडियन है नहीं मरेगा। दोनों रीजन है। पहला रीजन ये है कि ये वैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल है लेकिन हम लोग इसके रेजिस्टेंट है, मतलब हमारी बॉडी पे इतने कम अमाउंट में असर नहीं है, है ना। अभी 12 के बैच में भी हम लोग थोड़ी मजाक कर रहे थे, कोर्सों का भी हो गया है तो हम डिस्कशन कोई चैप्टर्स कर रहे हैं कि चलो ये भी बताओ वो भी। तो मैंने यार ये जो सेल होता है ना, छोटा पेंसिल सेल होता है, उसमें अगर दोनों तरफ तार लगा दो तो बल्ब जलेगा, जलेगा ना, छोटा वाला बल्ब, यानी उसमें करंट है ना। लेकिन मैं उस सेल को दोनों तरफ हाथ लगाया पकड़ो तो मुझे करंट ही लगेगा, क्यों? तो वो कह रहा है वो बहुत छोटा करंट है। हम एसी डीसी डिस्कस कर रहे थे, अल्टरनेट करंट डायरेक्ट। तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं कि डीसी में फीलिंग नहीं होती हो जनरेटर या मतलब वाली लाइट, और एसी में बोले देने दोनों फील होती है, ऐसा नहीं है। बोले अगर आपको ज्यादा शौक है सेल का ऐसा पकड़ने का तो बड़ी वाली बैटरी होती तो उर्जे पकड़ के देख लेना करंट लग रहा है या नहीं लग रहा, या जो जनरेटर प्रोड्यूस करता है वो भी डीसी होता है उससे भी करंट लगता है। तो ऐसा तो ऐसे यहाँ पे है कि अगर हम लोग खा ले हमारा कुछ नहीं होगा, हम लोग ऑलरेडी काफी सारे हरकतें कर चुके हैं तो हमारी बॉडी रेजिस्टेंट, हमने घाट घाट का पानी पिया है ना, तो घाट घाट के पानी में ये पहले से ही है ना। तो जो हम खा रहे हैं उसमें पेस्टिसाइड बहुत सारे मिला के दिए, और कुछ लोग कहते हैं खाना खाने से पहले सेब या ये वो धो के खाना चाहिए। हम कहते हैं यार अगर उसे भी धो लिया तो सारे न्यूट्रिएंट बह जाएंगे, तो सेब के तो छिकल में सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट हमें दिखते हैं। हम कहते हैं कॉमन सेंस लगाते ना यहाँ, तो भैया एक तो अगर हम ये खाएंगे हमारा बिगड़ेगा, ठीक है। दूसरा हमें पूरा विश्वास है ये जो केमिकल छिड़क रहे हैं ना उन्हें कौन सा असली केमिकल मिल रहे हैं, उन्हें कौन सा असली हमें पीएससी मिल रहा है, वो भी तो नकली केमिकल ही छिड़क रहे हैं, असली केमिकल तो है ही नहीं, हमारा कुछ नहीं होना। लेकिन गरीब देशों में इससे डेथ रेट हो जाती है उनके मन बंद में। अमेरिका जैसे पुअर कंट्री है, अपने यहाँ ये लोग कुछ कर नहीं पाते। मैक्सिमम अमेरिका का जो प्रोडक्शन होता है ना मेडिसिन का, जब बाकी वो सब इंडिया में होती है, बिग कंट्री। क्यों करते हो ऐसा प्रोडक्शन, वहां क्यों नहीं करते यहाँ क्यों करते? दोनों रीजन है। पहली बात तो यहाँ लेबर सस्ती है बहुत, उनके लोग बहुत महंगे है ना, बहुत लोग पढ़े लिखे हैं, कहते हैं हम ये काम करें, हमारे यहाँ कहता पकौड़े भी चल लेंगे बिजनेस कोई चले, तो हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। एक तो लेबर सस्ती है, सेकंड थिंग वो लोग सोचते हैं कि उससे हार्मफुल गैसेस निकलती हैं और व्हाटएवर, और उससे वहाँ डेथ हो सकती है और प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ प्लांट लगाओ कोई बात नहीं, हम क्या कहते हैं कोई बात, हार्मफुल गैसेस निकलती है उसका फायदा क्या बताओ? अरे इम्यूनिटी बढ़ रही है, कोरोना आया तुम्हारे यहाँ 4 लाख मर गए, यहाँ नहीं मरे 4 लाख, नहीं मरे इम्यूनिटी ज्यादा थी ना हमारी, हम पॉजिटिव सोच के चलते। फिलहाल अब तुम्हें बीएससी याद रहे, रिजल्ट क्लियर, फिलहाल इसमें ये भी याद रखना चलो ये दिन में आते मतलब सनलाइट की बिजनेस में याद रहेगा दिन में आते, क्लियर है, याद रहेगा दिन में उनमें, मतलब अभी इसलिए बता रहा हूँ अभी आगे कंफ्यूजन होगा इसलिए कह रहा हूँ ये दिन में याद रखना, भूल जाओ तो ये ध्यान रखना ये छक्के हैं 666666 इसका नाम है, ठीक है, ये दिल में ही आता है, याद रहेगा, इज इट क्लियर, ठीक, लिख लें हेडिंग, हैं, अब चलो लिख लो, अभी बता रहा हूँ अगली रिएक्शन में है ना कि जब यहाँ सनलाइट की जगह कुछ और होता तो प्रोडक्ट कुछ और बनता है, इसलिए मैं फोकस करके बता रहा हूँ। तो हेडिंग की एडिशन ऑफ क्लोरीन, उसमें लिखते हैं बेंजीन ऑन रिएक्टिंग विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बेंजीन ऑन रिएक्टिंग विद क्लोरीन in presence of benzene on reacting with chlorine in presence of sunlight, in presence of sunlight gives BHC benzene hexafluoride, beta iska ek aur naam hai also named as non-biodegradable pesticide. क्या कहेंगे इंग्लिश में? This is a potent pesticide. Potent word use किया था powerful के लिए. क्या कहने दो? मुझे लगा तुम तो इंग्लिश में. कोई बात?
ठीक है आ जाओ यहाँ पे मिटा दू नेक्स्ट तीसरा बहुत ही सरल है तीसरी रिएक्शन अपने आप लिखो डेढ़ दो मैंने लिखा दी थी आपको खुद लिख नहीं लिखो हाथ तोड़ दूंगा लड्डू दूंगा लिखो अब लिख लू लिखो ना अब भी नहीं याद आए तो गलत बात है ठीक है तीसरी रिएक्शन तुम्हें खुद लिखनी है अब नहीं लिख पाए तो हाथ तोड़ दिए जाएंगे लड्डू भी लिख रहा बेटा पढ़ने पलटने पड़ते हैं तुझे ऐसे पुराने लागू पढ़ने पलटने बेटा इस रिएक्शन का नाम है ओजोनोलिसिस आ लिख रहे हो ओजोनोलिसिस बताइए नाम नहीं आ रहा है बताओ ये ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट बता भाई उनको मालूम है ओजोन से रिएक्ट करेगा ओजोनाइट बनेगा वो रिएक्ट ब्रेक होगा प्रोडक्ट बता प्रोडक्ट ओके मैंने पिछली बार जैसे बताया था वैसे ही दिखा दे रहा हूँ आपको ये है बेंजीन ठीक है ये है बेंजीन इसके ये है ओजोन वाटर जिंक भाई हम डबल बॉन्ड और दिखाएंगे नहीं मैं तो इसलिए बना दिया कि आपको दिखा सकते ये वाला ये डबल बॉन्ड टूटेगा एक ये डबल बॉन्ड टूटेगा एक ये डबल बॉन्ड टूटेगा ये और ये ऑक्सीजन ये और ये ऑक्सीजन एक और एक डन अब जरा ध्यान से देखना बोर्ड पे अगर आपको दिख रहा हो ये बीच से डबल बॉन्ड पूरी तरीके से गायब ये तो पूरी तरीके से गायब दैट मींस इसका अटैचमेंट रहा ही नहीं कुछ और तो ये CHO CHO मिल गया तो ये CHO CHO के तीन मॉलिक्यूल तो अगर ओजोनोलिसिस बेंजीन की करते हैं तीन मॉलिक्यूल CHO CHO पे आपको दिख जाएंगे ये भी हट गया ये रहा CHO ये रहा तीन मॉलिक्यूल बन गए तो बेंजीन की ओजोनोलिसिस करने पर थ्री मॉलिक्यूल ऑफ CHO CHO ओके अब हम बात करने जा रहे हैं कि बेंजीन में कुछ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी होती हैं जिन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो इसमें ये पांच इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये यार एनसीईआरटी है बड़ी अलग है इनमें ये ही नहीं है ये वाली कि ये कौन सा हमने पढ़ा है बताओ कि इसमें ना तो एडिशन ऑफ यूरिन दिया ना एडिशन ऑफ हाइड्रोजन दिया ना ही एडिशन ऑफ ओजोन दिया हाउ क्लियर और इन्होंने वो पांच रिएक्शन दे रखे हैं और रेजोनेंस को बहुत ज्यादा शो किया है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखा दें और अरे अरे इसीलिए उस रिएक्शन ना के बराबर दे रहे लेकिन पीछे क्वेश्चन देखो तो क्वेश्चन में सारी चीजें पूछ रहे और अपनी क्वेरी में नहीं ठीक है ना इंडिया के सारे बच्चे कोचिंग पढ़ते सब लोग पढ़ते हो क्या ले और कोई कोचिंग वाला बोल दे तुमने इसमें नहीं दिया बोले तुम काहे के पैसे ले रहे हो तुम भी तो कुछ पढ़ाओ सब हम ही पढ़ा देंगे का चलिए लिखे नेक्स्ट इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज में दूसरे टाइप के लिख रहे हैं हेडिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग बेटा पहला क्वेश्चन ये आता है इसमें कि बेंजीन में तीन तीन पाई बॉन्ड ये तीन पाई बॉन्ड और अगर आपको याद हो पाई बॉन्ड आर मेनली सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एडिशन रिएक्शन होनी चाहिए लेकिन बेंजीन में एडिशन की जगह सब्स्टिट्यूशन होता है क्यों क्वेश्चन समझ में आ गया Although benzene has three pi bond, yet it mainly undergoes substitution reaction, not addition. भले ही मैंने दो तीन आपको लिखा दिया addition, लेकिन mainly क्या होता है benzene में substitution. Question ये है कि benzene में pi bond दिख रहे हैं और एक नहीं तीन तीन दिख रहे हैं. जहाँ भी pi bond होता है, वहाँ
दूसरे मॉलिक्यूल आगे जुड़ते हैं, एडिशन होता है, पाई बॉन्ड इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडिशन रिएक्शन। और बेंजीन में तीन पाई बॉन्ड है तो इसमें तो एडिशन ही होना चाहिए, बट बेंजीन मेनली अंडरगोस सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन ये है, ऑल्दो इट हैज थ्री पाई बॉन्ड बट इट डू नॉट गो अंडरगो एडिशन, इट ओनली गोस सब्स्टिट्यूशन बाय बाय। जोर से बोलो बेटा, नहीं कॉमन सेंस, केमिस्ट्री बहुत लिमिटेड वर्ड, बहुत लिमिटेड कंसेप्ट 12th लेवल, बस सही जगह फिट करना आ जाए तो है वही गिनती के 5-6 वर्ड, उसी को सही से बोलना है। बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड है लेकिन एडिशन नहीं होता, क्यों? क्योंकि 100% प्योर पाई बॉन्ड है ही नहीं, ये रेजोनेंस की वजह से घूमते रहते हैं, और जब रेजोनेंस की वजह से घूमते रहते हैं तो रेजोनेंस से एनर्जी लॉस हो जाती है, कंपाउंड की एनर्जी कम हो जाती है, स्टेबल हो जाते हैं, इसलिए पाई बॉन्ड होने के बावजूद पाई बॉन्ड पे एडिशन नहीं। इज इट क्लियर? एकदम सरल भाषा, एकदम सरल एग्जाम्पल, ये पंखा लगा है, इसके तीन ब्लेड्स हैं, याद आ गया? तो बेसिकली ये ब्लेड जो है इसको मान लेते हैं पाई बॉन्ड, ठीक है? तो यूजुअली ये जैसे ही कहीं ब्लेड दिखता है, पाई बॉन्ड दिखता है, तो जो भी मॉलिक्यूल आता है इससे जाके जुड़ जाता है, चिपक जाता है। इज इट क्लियर? लेकिन यहाँ पंखा चल रहा है फुल स्पीड में, पंखा चल रहा है फुल स्पीड में, इज इट क्लियर? जब पंखा फुल स्पीड में चल रहा है तो पाई बॉन्ड की एग्जैक्ट लोकेशन पता ही नहीं लग रही, पंखा जब चलता है ये ब्लेड कितने हो जाते हैं, ये अभी तीन है, फिर कितने दिखेंगे? अब है तो तीन ही, बेवकूफ, इनफाइनाइट कैसे हो जाएंगे, बढ़ते थोड़ी है, तो ये इनफाइनाइट दिखते हैं, एक भी नहीं दिखता, ठीक है? होते तीन ही है तब भी, ठीक है? ये मत कहना इनफाइनाइट दिखने लगते हैं, ठीक है? ये नई टेक्नोलॉजी मत ले आना, बोले जब पंखा रुकता फिर तीन हो जाते हैं इनफाइनाइट, ठीक है? ये टेक्नोलॉजी मत कर, फिलहाल कोई रिलेशन तो नहीं है आलू और सोने का, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का डायलॉग था, ये बोला सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने था, लेकिन जब इसके मीम्स लोगों ने बनाए तो मतलब उसने रिपीट, राहुल गांधी ने भी किया था लेकिन उसने कोट करके रिपीट किया था कि देखिए हमारे प्रधानमंत्री ये कह रहे थे, कोट करें, वाली चीज गायब कर दी, पूरा मीम राहुल गांधी को दे दिया गया, बट ओरिजिन वो पॉलिटिक्स वाले ना ये खेलते हैं। फिलहाल पता क्या है, तुम लोग कौन सी पार्टी के हो, वट एवर पार्टी, कोई बीजेपी होगा, कोई एसपी होगा, कोई बीएसपी होगा, वट एवर, बट मैं हमेशा ये कहता हूँ डोंट सपोर्ट एनी पार्टी। सो मतलब आपको सपोर्ट किसे करना चाहिए, जो कायदे का काम कर रहा हो, चाहे वो नेशन के लिए हो, आपके लोकेलिटी के लिए, उसके लिए करें, और वो जब नहीं कर रहा तो उसे क्रिटिसाइज भी करें। ये नहीं पता क्या होता है, एक पार्टी को सपोर्ट करने पे जब वो गलत करते हैं फिर हम उन्हें क्रिटिसाइज ही नहीं कर पाते। हम क्रिटिसाइज कैसे करें, क्योंकि हमने इमेज बना लिया हम तो इन्हीं को सपोर्ट करते हैं, हम तो इन्हीं के, नहीं, अगर वो गलत करें तो वो गलत करें, जब वो सही करेंगे तो सही करें, जो वो अच्छा कर रहे हैं ही बेस्ट, हम आपके साथ, अब आप अच्छा नहीं कर रहे हो आपके साथ नहीं है, बात खत्म इस मुद्दे पे। तो इसलिए कभी भी कोई मुझसे भी पूछे ना आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं हमसे ये कहता हूँ हम सपोर्ट किस चीज को करते हैं, जो जो क्लॉज आएंगे, जो जो रूल्स रेगुलेशन आएंगे उन्हें सपोर्ट या वो करेंगे, बाकी गवर्नमेंट इलेक्ट करना जब होता है तब देखी जाएगी, है ना? लौट के आ जाए बेंजीन, सत्संग खत्म करें, चलिए लौट के आ जाते हैं बेंजीन। तो बेंजीन में एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं होती, जबकि तीन पाई बॉन्ड है, रेजोनेंस पर, due to this, लिख लीजिए जल्दी से, although benzene has three pi bond, yet it not undergo addition reaction, it mainly undergoes substitution reaction, due to resonance stabilization. It mainly undergoes substitution reaction due to resonance stabilization. Resonance stabilization of benzene ring. Okay? Due to resonance stabilization of benzene ring.
ठीक है ना। देखिए अब पहली रिएक्शन हैलोजिनेशन, बेटा इसमें ना मैंने आपको पहले बता दिया पांच रिएक्शन है, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फ्रेडल क्राफ्ट की ग्रुप, तो ये पांच रिएक्शन पढ़ लिए बेटा। ध्यान से देखिए हैलोजिनेशन क्या है, ये है बेंजीन, इसकी किसी हैलोजन से रिएक्ट है, ठीक है, इससे रिएक्ट की हैलोजन, तो अभी पहले भी कर चुके थे हैलोजन, अब यहां अंतर है, यहां आयरन या HCl3 की प्रेजेंस होती है और डार्क होती है, जबकि वाली रिएक्शन का है भी लाइट, ठीक है, तो दोनों में अंतर क्लियर है, इसलिए मैं कह रहा था ना उनको याद रखो वो लाइट में ही आते हैं, इसलिए कहा, तो ये डार्क में रिएक्शन और आयरन या HCl3 की प्रेजेंस में होती है और एक H हट पे Cl आता है, वो जो H हटा वो इसके साथ चला गया, ये HCl अलग हो गया, इज इट क्लियर। देखिए जल्दी से, when benzene is reacted with halogen, क्या कोई halogen होते हैं कि क्या है इसमें से, when benzene is reacted with halogen in presence of Lewis acid like anhydrous AlCl3 iron AlCl3 कुछ भी when benzene is reacted with halogen in presence of Lewis acid like anhydrous AlCl3 then halobenzene yani chlorine to chlorobenzene bromine to bromobenzene koi bhi halogen ho sakti hai halobenzene mein locate beta khali halobenzene likhna okay halobenzene पूरा डायलॉग तो यही है ना, मत ठीक है, हेलो बेंजीन हो गया हेलो की नेचर, ठीक है, हाँ वही पांच ही रिएक्शन है, नाइट्रेशन, अब आप अगर ध्यान लगा रहे हो और ठीक से पढ़ रहे हो तो एल्केन में जो तुमने पढ़ी वही रिएक्शन है, एल्केन में नाइट्रेशन नाइट्रो एल्केन बना था, एल्केन जी हेलो हेलो एल्केन मतलब वही तो है, बस यहाँ पे क्या है, बस ये वर्ड लगाना है कि एचएनओसी से होगी तो कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जो NO2+ बनाने में कामयाब करे, तो यहाँ पे H2 support लेते हैं, तो in presence of H2 support करते हैं तभी ये होता है और ये बन जाता है nitrobenzene, साथ में water अलग हो जाता है, water ये absorb भी कर सकता है, ठीक है हाँ बेटा, वैसे है तो oxidizing agent but इस reaction में ये oxidizing agent नहीं है, इस reaction में ये NO2+ बनवाता है, जैसे AlCl3 Cl+ बनवाता है, ये NO2+ को बनाने का काम करता है, nitration में लिखें on reacting benzene with concentrated sulfuric acid, 40-50 degree centigrade, then nitrobenzene is obtained. Then nitrobenzene is obtained. In presence of concentrated sulfuric acid, nitrobenzene is obtained. ये reaction. अगर sulfuric acid नहीं होगा तो reaction नहीं होगी. नहीं तेरे पास कॉपी नहीं लिख रहा है, देख लेना क्या हुआ क्या नहीं, अगला लिखिए सल्फोनेशन, आई होप तो आपको क्लियर हो गया अब तक तो कि आपकी सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड से होती है और ये हाँ हाई कंसेंट्रेशन पे हो जाता है,
तो बेंजीन ऑन रिएक्टिंग विद वैसे ना इसका नाम है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब H2O4 और SO3 साथ में होता है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड कहलाता है, और ये सल्फोनिक एसिड आ जाता है वाटर लग जाता है। देखें बेंजीन ऑन रिएक्टिंग विद फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, बेटा फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड प्लस SO3 गैस है। बेंजीन ऑन रिएक्टिंग विद फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, बेंजीन ऑन रिएक्टिंग विद फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स बेंजीन सल्फोनिक एसिड अब बेंजीन की जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो रिडल क्रॉस रिएक्शन। रिडल क्रॉस रिएक्शन दो तरह की है, एक एल्काइलेशन और एक एसाइलेशन। FRIEDL रिडल क्रॉस रिएक्शन ये दो तरीके से पढ़नी है, एक एल्काइलेशन कहना है और एक एसाइलेशन। फिलहाल है कुछ भी, व्हाट इज रिडल क्रॉस रिएक्शन सरल है। देखिए ये हमने दिया बेंजीन और इसकी रिएक्शन RX से करती है एल्काइल हैलाइड से, और वो ये AlCl3 प्रेजेंट है, तो यहाँ का एक H और ये Cl निकल जाएगा और ये एल्काइल ग्रुप ऊपर आके जुड़ जाएगा। ठीक है, ये कहलाता है रिडल क्रॉस एल्काइलेशन, क्योंकि बेंजीन में इकलौती नेम रिएक्शन है केमिकल प्रॉपर्टी में तो आनी ही आनी। ठीक है, लेकिन बेंजीन ऑन बेंजीन ऑन रिएक्टिंग विद एल्काइल हैलाइड, बेंजीन ऑन रिएक्टिंग विद एल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 कैटलिस्ट, बेंजीन ऑन रिएक्टिंग विद एल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 कैटलिस्ट, AlCl3 कैटलिस्ट गिव्स एल्काइल बेंजीन, गिव एल्काइल बेंजीन। ठीक है, और ये कन्वर्जन भी बहुत पूछा जाता है कि बेंजीन से टोलीन बना दीजिए, ये बेंजीन है, अगर CH3Cl से रिएक्शन की तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा जिसे हम मिथाइल बेंजीन भी कहते हैं और इसका दूसरा नाम है टोल्यूइन, तो टोलीन बनाने को भी बहुत आता है, बेंजीन टू टोलीन। ठीक है, टोलीन इज आल्सो नोन एज मिथाइल बेंजीन। ठीक है, एक और है रिडल क्रॉस एसाइलेशन, ये था रिडल क्रॉस एल्काइलेशन, दूसरा है AcyLATI। बेटा सेम यही रिएक्शन है, या तो वो कह देते हैं एसिड क्लोराइड से करते हैं RCOCl, ये ग्रुप केमिस्ट्री में एसाइल कहलाता है। ठीक है, तो ये ग्रुप एसाइल है और ये ग्रुप ऊपर जाके यहाँ जुड़ जाएगा और HCl निकल जाएगा, दिस इज नोन एज रिडल क्रॉस एसाइलेशन, और वो एक AlCl3 कैटलिस्ट है। ठीक है, तो लिखेंगे बेंजीन ऑन रिएक्टिंग विद एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड, बेंजीन ऑन रिएक्टिंग विद एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड, बेंजीन ऑन रिएक्टिंग विद एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड गिव्स एसाइल बेंजीन, गिव्स एसाइल बेंजीन। बेंजीन ऑन रिएक्टिंग विद एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड गिव्स एसाइल बेंजीन। एक तो ये रिएक्शन लिखते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये है, ये आज तक मैंने देखा बहुत बारी पूछी गई है और बच्चे छोड़ के आ रहे हैं एग्जाम में, वो जान के CH3 होल्ड वाइज CH3CO होल्ड वाइज को लिखते हैं
और पता है इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो ये आएगा यहाँ पे C4CH3 यानी एक CH3 फ्लोर इसके साथ चला गया और एक जो बचा उसको H मिल गया और ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ना इसका नाम है एसिटोफिनोन। तो ये टीचर्स को लगता है कि ये बच्चों से बने जाएगी नाम से डायरेक्ट, तो कन्वर्जन दे देते हैं बेंजीन से एसिटोफिनोन बनाओ क्योंकि ये याद नहीं रहता एसिटोफिनोन इसका नाम, इसलिए रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है बेंजीन टू एसिटोफिनोन। तो ये तो हो गया क्या, अब इसका एक मैकेनिज्म दे रखा है एनसीईआरटी में तो कंबशन दे रखा है बेटा, बेंजीन का कंबशन तो आपसे हो ही जाएगा मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है, कंबशन तो आप लिख ही लीजिए एटलीस्ट, ठीक है कंबशन आप लिख लीजिए 7.5 है 15/2 लिख सकते हैं, ठीक है 15/2 कंबशन, बेंजीन का कंबशन करो CO2 और वाटर बनेगा। अब हम कल से पहले करेंगे मैटर्स एस, हाँ बेटा ठीक है, कल हम एस ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है लास्ट में एक और है और तो एक पैरा डायरेक्टली डीएक्टिवेटिंग, ठीक है बेटा ये तो नहीं मिलते, तो कल हमें एस ब्लॉक बी ब्लॉक स्टार्ट करके जिससे इनका एग्जाम से पहले वो भी ठीक से हो जाए। चलिए, यू आर वेलकम।